अच्छा चलो, अच्छा हुआ सिलेंडर अभी बुक करवाना था मैंने। देखो जो लोग हैं उनके लिए तो फायदा ही है, मीडियम फैमिलीज के लोगों को तो फायदा ही है इसका, और भी कम होना चाहिए। वैसे पेट्रोल तो बहुत ज्यादा रेट है, 9.5 कम कर दिया, 9.5 और भी थोड़ा सा और भी होना चाहिए। सही है, होना चाहिए, बहुत महंगाई हो गई है पेट्रोल की, तो घर चलाना ही मुश्किल पड़ रहा है इंसान को, क्योंकि परिवार चल सके। भाई पेमेंट तो वहीं की वहीं है, डीजल पेट्रोल महंगाई बढ़ रही है, पेमेंट या तो सरकार को पैसा बढ़ाना चाहिए कि व्यक्ति अपना घर चला सके। फैसला तो अच्छा है, कम होना चाहिए पेट्रोल और डीजल। फिर अभी जैसे इलेक्ट्रिक बाइक्स भी आ गई हैं तो उसका इतना फर्क नहीं पड़ता है, बट फिर भी पेट्रोल डीजल तो डेली यूज़ में लग ही रहा है हर किसी को, हर कोई तो इलेक्ट्रिक कार बाइक वगैरह लेके नहीं घूम रहा है, तो पेट्रोल डीजल कम होना चाहिए। नहीं कम काफ़ी नहीं है, काफ़ी नहीं है इतना, पर अभी ये इतना हुआ है यही काफ़ी है, यही बड़ी बात है, ये बड़ी बात है अभी फिलहाल कि 9 रुपये कम हो गए पेट्रोल में और 7 रुपये डीजल पे हुए हैं। कम करने का डिसीजन बहुत अच्छा है, क्योंकि 125 रुपये लीटर ही बहुत ही ज़्यादा हो जाता है एक नॉर्मल कॉमन मैन के लिए, इतना ज़्यादा मतलब पिछले 1-1.5 साल में देखोगे तो 50% हाइक हो गया है, तो थोड़ा बहुत कभी हमको राहत मिल रही है तो अच्छी बात है। आम इंसान जिसकी नौकरी मतलब प्राइवेट करता है तो वो इतना मतलब पेट्रोल आजकल इतना बढ़ रहा है कि वो एफर्ट नहीं कर पाता है, तो कम हो रहा है तो बहुत ही अच्छा है, मतलब एक आम इंसान के लिए बहुत फ़ायदा है। मैं तो और चाहूँगी कि 9.5 से और ज़्यादा कम होना चाहिए, 9.5 का तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना, 9.5 रुपये मतलब कोई वैल्यू ही नहीं रखता है, कम से कम 50 रुपये कम होना चाहिए मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है। और डीजल में भी जो आप बोल रहे हैं तो डीजल में भी समथिंग कुछ इतना कम होना चाहिए कि इंसान को लगे तो सही कि कुछ कम किया गया है, क्योंकि आजकल महंगाई इतनी हो गई है हर चीज़ का, मतलब एक आम इंसान नहीं कर पा रहा है। और कोरोना में तो जैसा कि आपको मालूम ही है सबकी नौकरियां भी चली गई है, और बीमारियां इतनी फैल रही है कि इंसान बीमारी का इलाज करेगा कि पेट्रोल भरेगा। मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर सरकार ने ये काम किया है तो काफ़ी अच्छा काम किया है, क्योंकि लोगों को राहत होनी बहुत जरूरी है इस टाइम। 105 रुपये है इस टाइम, और अगर 9 रुपये होगा तो लोग और भी ज़्यादा खुश होंगे इस चीज़ के लिए। और कम होना चाहिए पेट्रोल सर, अभी तो मेरे ख्याल से 105 रुपये कुछ करके है पेट्रोल, तो बहुत ज़्यादा है, मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते इतना, तो ये जो कम किया है रेट अच्छी बात है गवर्नमेंट का, और कम करना चाहिए सर। हाँ ठीक है सर, गैस सिलेंडर पे भी अगर 200 रुपये कम हुए हैं तो अच्छी बात है सर। नाम अरमान है, और जो गवर्नमेंट ने कराया ठीक है, अब जो कम करें 9 रुपये और सिलेंडर पे 200 रुपये करें उससे बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि आज के टाइम पे ठीक है जो भी है। ये राहत की खबर है, ये बहुत अच्छी खबर है, और मैं समझता हूँ कि काफ़ी लोगों को इससे राहत मिलेगी, बट अभी पेट्रोल और डीजल के दाम और कम होने चाहिए, कि जो पहले थे 65 से 70 रुपये के बीच में वो आ जाने चाहिए, जिसे सारी चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन भाड़ा खाद्य पदार्थ तेल तो ये सब चीज़ों में कमी आएगी, तो काफ़ी लोगों को इससे राहत मिलेगी, और ये मोदी सरकार की बहुत अच्छी खबर है ये। आप राहत भरी खबर है? हाँ बिल्कुल राहत भरी खबर है ये, 10 रुपये के लगभग रेट कम हुआ है पेट्रोल का, डीजल का लगभग 7 रुपये रेट कम हुआ है, ये बहुत अच्छी खबर है, बट अभी भी पहले के हिसाब से तुलना की जाए तो रेट बहुत ज़्यादा है। आज के रेट के हिसाब से अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में और स्टेट के अलावा काफ़ी कम है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा कम होने की ज़रूरत थी, तो उस हिसाब से कम हो रहा है, तो बहुत ही खुशी की बात है, अच्छी बात है। डीजल और पेट्रोल पर जो फर्क पड़ता है, इसका महंगाई किस तरह बढ़ती है? अब ये तो महंगाई तो खैर सभी चीज़ पर बढ़ी हुई है, ऐसा कह सकते हैं कि, और काफ़ी मतलब पब्लिक ही सभी लोगों में काफ़ी राहत मिलती है, क्योंकि रोज़मर्रा में ये हमारी व्हीकल्स जो हैं ज़्यादा तौर पे चलते हैं, जितने भी लोअर क्लास हैं मिडिल क्लास हैं वो सारे लोग ये इसका संचालन करते हैं, तो उससे काफ़ी राहत है लोगों को। देखिए सब्जियों में भी बहुत ज़्यादा हाई रेट हो रहे हैं, एकदम अचानक से बढ़ जाते हैं, रातों रात सब्जियों के रेट बढ़ जाते हैं, पता नहीं चलता है। जैसे टमाटर, जैसे कि हम पहले 40 रुपये किलो मिल रहा था, अब देखिए 80 रुपये किलो मिल रहा है, तो वही पेट्रोल की भी बात हो, वही सब चीज़ में महंगाई महंगाई है, अब क्या कर सकते हैं। क्या मानती है पेट्रोल डीजल महंगा होने सब चीज़ों पे असर पड़ता है, क्योंकि लाने ले जाने में सब चीज़ों में असर पड़ता है? देखिए महंगाई बढ़ती है, सब चीज़ में असर पड़ता है, कि आप निकलेंगे तो आपका पेट्रोल डीजल लगेगा, आप पैदल तो निकलेंगे नहीं, किसी घर दूर है, किसी घर गाँव में है,
तो पैदल तो नहीं निकलेगा, जो बेचारा गरीब होगा तो बेचारा उसको तो मजबूरी है पैदल निकलना, और मतलब जिनके पास गाड़ी है वो कैसे पैदल निकलेंगे, उनको तो चलना ही चलना है गाड़ी से ही, पैदल नहीं चलेंगे। क्या फ़ायदा होगा एक आम आदमी के लिए तो मतलब समझिए कि बहुत बढ़िया है, 9 रुपया मायने रखता है एक लीटर में अगर कम हो गया है तो डीजल एंड पेट्रोल 6 रुपया, तो हमें तो बहुत खुशी है। इसके अलावा कुछ तो जनता को राहत मिलेगी, और आने जाने में जो भाड़ा उड़ा टेम्पो वगैरह इसमें तो कुछ तो राहत मिलना चाहिए आम जनता को। और हम तो उम्मीद करते हैं कि एक्साइज ड्यूटी में झारखंड मतलब जितने भी स्टेट और वो कुछ भी कम करे तो और राहत हो, और अच्छी बात है। आपके पॉकेट में कितना पड़ेगा? हैं, मेरे पॉकेट में ज़्यादा नहीं कुछ पड़ेगा, कुछ तो पड़ेगा। हाँ, बस यही कहना चाहेंगे सर, बढ़ती जनसंख्या के साथ हमारे बढ़ती और अभी महंगाई के साथ सरकार ने आज नहीं कल धीरे से दे रहा है दुरुस्त है, महंगाई कम करिए, इस चीज़ से अच्छा लगा, संतुष्ट है। ऐसे ही धीरे धीरे करके महंगाई को ध्यान दिया तो हम भी सोचेंगे कि आने वाला पल हमारा अच्छा खुशनुमा हो। बहुत सी बातें होती है जीवन में, महंगाई सबसे पहले देखी जाती है, भारत देश वैसे भी आम जनताओं का देश है। ठीक है 9 रुपये ठीक है थोड़ा, पर अभी यही रेट रहे तो अच्छी बात है थोड़ा, क्योंकि अभी महंगाई वैसे ही बढ़ती जा रही है, इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई आपको मालूम है। थोड़ी राहत मिली है पर यही रेट हमेशा के लिए रहे, आगे बढ़े ना 1 रुपये 2 रुपये से ज़्यादा तो अच्छी बात है, अभी बाद में और 10 रुपये 15 रुपये बढ़ा देंगे तो कैसे चलेगा, अभी तेल के रेट भी इतने महंगे हैं आपको मालूम है, पेट्रोल तो रोज डलवाना पड़ता है हमको। ये तो कोई तरीका नहीं है कि पहले आप 60-70 रुपये बढ़ा दें और उसके बाद 5-10 रुपये कम कर दें, ये तो बेवकूफ़ी है एक नंबर की, शर्म आनी चाहिए सरकार को, सोचते नहीं किसी के बारे में भी। अगर आज मोदी सरकार का कोई विकल्प नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये वो बेतहाशा महंगाई बढ़ाते जाएं, ऐसा ना हो कि उनकी जो स्थिति है वो कांग्रेस से भी बदतर हो जाए। आज लोग कांग्रेस को देखना नहीं चाहते तो कल को बीजेपी को भी नहीं देखना चाहेंगे, सिर्फ एक विकल्प की देर है। शर्म आनी चाहिए मोदी सरकार को, क्योंकि आज हमारी तनख्वाहें तो बड़ी नहीं है, महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं सिर्फ। अभी तो कम किया, तो ये कैसी बात कर रहे हैं आप, मतलब आप खुद सोचिए कि अगर मैं कल को आपकी जो तो कोई खर्चा है उसको 100 रुपये बढ़ा दिया जाए और वो उसमें जाके 10 रुपये कम कर दिए जाए तो ये क्या जायज़ है क्या? ये तो बेवकूफ़ी है, तो जनता को बेवकूफ़ समझ रहे हैं एक नंबर का, शर्म आनी चाहिए मोदी सरकार को। अच्छा फैसला है सरकार का, थोड़ा सी कुछ जनता को थोड़ा सा राहत मिलेगी, इसको इतनी महंगाई हो गई है तो ये सब तो अच्छा फैसला है, लेकिन ये थोड़ा और पहले ले लेना चाहिए था। वही समझो अच्छे दिन आ गए, और क्या, यही अच्छे दिन थे, 118-120 रुपये लीटर। जनता तो क्या है, मुँह डर सके आप वोट बढ़ाते जाओ तो 4 दिन का हल्ला है, बाकी क्या होना है, कम तो हो नहीं जाएंगे चिल्लाने से। नहीं तो क्या कितनी कमी होगी, 1 रुपये 2 रुपये 9 रुपये अच्छी खबर है, अच्छी बात है, डीजल के काम कम हुए हैं तो ये तो अच्छी बात है सर, और कम हो जाएंगे तो और अच्छी बात रहेगी। इसमें जो है बहुत दिक्कत आती है, पेट्रोल डीजल में महंगाई बढ़ती जा रही है और सैलरी वगैरह तो बढ़ने रही है।